आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज राजधानी लखनऊ के विधानसभा मार्ग स्थित नॉर्थन रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इलेक्शन हुआ, जिसमें कि सभापति और उपसभापति का चुनाव हुआ था, जिसमें राकेश कनौजिया जी को निर्विरोध अपना चेयरमैन चुना गया। इसी के चलते आज लखनऊ मंडल की शाखा में चुने गए सभापति और अन्य लोगों का स्वागत समारोह किया गया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आपको हम बताते हैं कि पहले ये बैंक एक सोसाइटी हुआ करती थी, बाद में इसको एक बैंक के रूप में गठित कर दिया गया और इस बैंक को चलते हुए 2 वर्ष हो गए और यह बैंक सिर्फ रेलवे कर्मचारियों को ही आर्थिक सहयोग देने का कार्य करता है। इस बैंक में रेलवे के ही लोग शेयर होल्डर होते हैं और कुछ बाहरी लोग भी जुड़े रहते हैं और इस बैंक में अन्य लोग भी अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन लोन लेने की प्रक्रिया सिर्फ रेलवे कर्मचारियों को ही दी जाती है। इस स्वागत समारोह के मुख्य अतिथि ऑल इंडिया मेंस फाउंडेशन के महामंत्री श्री गोपाल मिश्र जी थे। उन्होंने जीते हुए सभापति और उपसभापति को सम्मानित किया और बैंक के प्रति ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से कार्य करने का आग्रह किया। चुनाव में एक तरफा विजय हासिल की, मैं साथी वीरेंद्र सिंह यादव और उनके पूरी टीम को विशेष रूप से इस बात के लिए मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए साथी वीरेंद्र श्रीवास्तव जी ने मुझको जो जिम्मेदारी दी है, महामंत्री जी ने जिस तरीके की बैंक के प्रबंध मंडल और यूनियंस के बीच में कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी लखनऊ मंडल का मंडल मंत्री होने के नाते समय समय पर देने का काम किया, तो मैं अपनी ओर से साथी धीरेन्द्र सिंह यादव को उपसभापति के तौर पे, साथी राकेश कुमार कनौजिया को सभापति के तौर पर निर्वाचित होने पर सब साथियों को विशेष रूप से बधाई देता। साथी सुनील कुमार सिंह हमारे मैं समझता हूँ संचालकों में बहुत वरिष्ठ है, सबसे वरिष्ठ साथी है, उनको विशेष बधाई। साथी देव कुमार, साथी हरिशंकर, श्रीमती नीतू श्रीवास्तव, श्री हरिपाल मीना, श्री अरविंद कुमार पांडे, श्री रविदास, श्री विक्रम सिंह, श्री अभय कुमार, श्रीमती रिंकी सिंह, श्री संजय कुमार वर्मा, श्री धर्मेंद्र सिंह यादव, ये हमारे अन्य जो 12 लोग है और संचालक है, उनको भी मैं अपने तमाम साथियों की ओर से आज के इस मौके पर बधाई देता हूँ। हमारी जो BLW का जो है एक महिला आरक्षित सीट थी, वहां से किसी के निर्वाचन न होने की स्थिति में उसको पद रिक्त रखा गया है, ऐसा हमारे निर्वाचन अधिकारी महोदय की उनको एक पुष्पगुच्छ भेंट करके हम सब की ओर से इस पूरे मंडल की ओर से उनका स्वागत करें। साथ ही इतनी गर्मी है बाहर आज। साथियों पुराने प्रबंध मंडल से वर्तमान प्रबंध मंडल में आदमियों का ये कि एक तरीके से प्रमोशन पा करके आए, पूर्व उप सभापति राकेश कनौजिया जो वर्तमान में सभापति निर्वाचित हुए, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस मौके पर वह हम सब के आदरणीय आरडी यादव जी जो महामंत्री NCERNU के हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के हैं, इस मौके पर उनको भी एक शाल भेंट करके उनका पुष्पगुच्छ भेंट करके अभिनंदन करें। साथियों इस स्वागत सत्कार की उनका भी स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा हमारे भाई MP चौबे जी हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष विपिन भाई से, मैं अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण करके MP चौबे जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं साथी विश्वास जी से अनुरोध करूंगा मुझे हमारे
माननीय लखनऊ मंडल के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष साथी विभूति मिश्रा है, मैं चाहूंगा साथी अमित सिंह से माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। गीत में आ जाता है यार। मैं इसी क्रम में साथी अशोक पात्री से रिक्वेस्ट करूंगा। पूरे हैं उनका बाजापन करके स्वागत करें साथी एमबीसी डायरेक्टर है दीना जी का भी इस मौके पर स्वागत करें साथ ही बाकी हमारे नवनिर्वाचित एनसीआरओ से साथी मीनाक्षी जी से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नरम नीतू श्रीवास्तव जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके इस मौके पर स्वागत करें। भाई एमपी सिंह से रिक्वेस्ट है कि वो रोहतास जी यहाँ बैठे हैं जिनका मैंने नाम अभी लिया था, दूसरी बात करवाए हैं, सभी अनुभवी साथी हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो नए साथी आए हैं मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन लोगों ने यहाँ पर आगे अपनी उपस्थिति दर्ज करा के इस फोरम को आगे मजबूती से चलाने के लिए अपना योगदान देने का काम करेंगे। मैं उनको भी बहुत बहुत आभार मंडल की ओर से भी और खासकर सभापति को उसके तौर पर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी पूरी निष्ठा के साथ इस चीज को चलाने का काम करेंगे ताकि हमारा जो रोता है उसका अधिक से अधिक लाभ ले सके और हमारा बैंक और प्रगति की ओर चलता रहे, यही मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद सर। आज के संचालकों के समिति को भी अपना आशीर्वाद दें, यहाँ उपस्थित यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं साथ ही साथ बैंक के अधिकारियों और यहाँ के कर्मचारियों को भी अपना आशीर्वाद देने का प्रयास करें। आदरणीय मिशन बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, नवनिर्वाचित बस यही काम करना जिस उम्मीद के साथ में लोगों ने आपको याद शुरू कर दिया है उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरना, अपने यूनियन और संगठन के उम्मीदों पर खड़े उतरना, यही मैं आपको कहा। आज इस सभा में उपस्थित हमारे परमगढ़ी महामंत्री श्री चंद्रपाल मिश्रा जी, एनसीआरओ के महामंत्री आडी यादव जी और हमारे मुरादाबाद के पूर्ण मंडल मंत्री एन पी चौधरी जी, हमारे सहयोगी और वर्तमान मंडल मंत्री आयुष चौबे जी और हमारे
वर्तमान में लखनऊ मंडल के जो मंडल मंत्री चुने गए हैं विभूति मिश्रा जी, जिस तरह से डेलीगेट डेलीगेट के बाद डायरेक्टर डायरेक्टर के बाद चेयरमैन वाइस चेयरमैन, आज हम लोग का फाइनल विनर होके यहाँ पहुँचे महामंत्री जी के नेतृत्व में। जिस तरह अभी सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है, मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से और बैंक के एमडी तरफ से महामंत्री को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि पूर्व में 5 साल में वाइस चेयरमैन रहा और महामंत्री की नज़रों से ही बैंक चला हमारी, और आज यहाँ तक अगर मैं आया हूँ तो नो डाउट इसमें हमारे परमाननीय महामंत्री जी, आप लोग का सहयोग, आप लोग का प्यार, इनसे संपर्क में रहना है, बैंक को आगे अच्छे और उज्ज्वल भविष्य के लिए पढ़ाना है, बिना आपके सहयोग के कुछ होना नहीं। तो मैं आज फिर महामंत्री के सामने ये आश्वासन देता हूँ कि बैंक में जो पिछले 5 साल का कार्यकाल करके चला, आगे 5 साल भी पूरी पारदर्शिता के साथ चलेगा और इसमें पूरी यूनियन, बिना यूनियन के सहयोग से बैंक चलाना संभव नहीं है। फिर आपके नेतृत्व में ही पूरा 5 साल काटूंगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग आए, इतना सहयोग किया, उसके लिए मैं तहे दिल से बैंक की तरफ से, अपनी तरफ से, डायरेक्टर साहब की तरफ से सबका धन्यवाद देता हूँ। मैं डायरेक्टर और नई समिति का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। पूरे कंधे से कंधे मिला के चलना है, सफर बहुत लंबा है, जैसा महामंत्री ने कहा है, कांटो भरा तार है, और उस कांटो भरे तार पे कैसे फूलों को बिछाना है, उस पर अपने आप मंथन करना है। धन्यवाद। ये थी लखनऊ से मोहम्मद शाहिद खान की रिपोर्ट। आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।